हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश से लेकर के सभी लोगों को मन में चिंता हो रही है कि आखिर 15 अक्टूबर को जो सुनवाई होने वाली थी जमाबंदी को लेकर के, बिहार जमीन रजिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि इसके कई तारीख ऐसे हुए जिसको फेल कर दिया गया और लास्ट आपको ये फाइनली डेट दिया गया था 15 अक्टूबर को कि इस पर क्या सुनवाई की जाएगी। तो क्या सुनवाई आया है, क्या इसके बीच बदलाव भी किया गया है रजिस्ट्री को लेकर के, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। इसलिए चैनल को न सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग परेशान हैं सबको जान करके आपको शांति मिल जाए और आप जान जाएं कि क्या अपडेट के रूप में कुछ आया है या नहीं आया है या क्या बदलाव किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर आप लोग के मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 15 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश था, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, खारिज करके इसको 24 सितंबर तक आपका लागू कर दिया था पुराना नियम को। लेकिन 24 सितंबर को आते आते उस नियम तक सरकार नहीं पहुंच पाई और उसका कुछ बदलाव नहीं किया। लेकिन बदलाव इसलिए नहीं हुआ कि वहां उस समय में लिस्टिंग नहीं चढ़ाई गई थी और लिस्टिंग नहीं चढ़ाने के कारण 15 अक्टूबर तक लेकर के आया गया कि 15 अक्टूबर की सुनवाई की जाएगी। लेकिन 15 अक्टूबर के आते आते, क्या आज 16 अक्टूबर है और कल 15 अक्टूबर था, तो क्या इसमें बदलाव किया गया है? बदलाव कुछ ऐसा किया गया है कि इसमें एक ई निबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री खुद घर से ऑनलाइन करके अपने पूरे कागजात को, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहां पर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के माध्यम से वो चीज आप यहीं से सब कुछ करके आपको ऑनलाइन कर दीजिएगा। ऑनलाइन करने के बाद वहां से आपको एक रजिस्ट्रार ऑफिस से आपको तय दिन तारीख आपको दी जाएगी, उसी तारीख पर आप वहां उपलब्ध होंगे और आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। पहले होती थी कि आप लोगों को अपना कागजात प्रूफ जो भी है, जिस जमीन की रजिस्ट्री कराना है उसका सारे प्रूफ लेकर के आपको और दोनों पार्टियों को कहाँ जाना पड़ता था, निबंधन कार्यालय, और वहां पर आपकी कागजात रेडी होती थी, आपकी चलान करती थी, पैसे कुछ जमा होते थे रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो ये सब चक्कर आपका बंद कर दिया गया है और इसको ऑनलाइन के माध्यम से कर दिया गया है कि आप ऑनलाइन माध्यम से घर से इसको करके जाइएगा, जिससे आपका वहां पर कचहरी में भीड़ नहीं लगेगा और आपको जिस दिन तय तारीख दी जाएगी उसी दिन आप वहां पर मौजूद होंगे और आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ये कुछ नियम बदले गए हैं, लेकिन इस नियम के अनुसार में किस जिले में लागू किया गया है, इस जिले का मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ, किस रजिस्ट्री कार्यालय का नाम है उसका नाम मैं बताने जा रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें आपका जिले का नाम हो, आपका रजिस्ट्री कार्यालय का नाम हो, निबंधन कार्यालय का। सबसे फर्स्ट नंबर में मैं बात करता हूँ कि भोजपुर का आपका नाम है इसमें, बेतिया का, पश्चिम चंपारण का, कैमूर का, भभुआ का, अररिया, बलिया, बेगूसराय, स्किप मत कीजिएगा, सारा जिला सुनिएगा कहाँ तक लागू कर दिया गया है और किसका बाकी है जो अभी लंच होने वाला है। बेगूसराय हो गया, गया आपको सिरघाटी, गोपालगंज, मनिहारी, कटिहार, सूर्यग्राह, लखीसराय, उसके बाद है फुलपरसा, उसके बाद है मधुबनी, उसके बाद है केसड़िया, पूर्वी चंपारण, गिलसार, नालंदा, सीतामढ़ी, सुपौल, इन जिलों में। और बाकी जो निबंधन कार्यालय का नाम है जो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसमें भी उस नाम का लिस्टिंग किया गया है। और इस चीज में आपको क्या किया गया है, चालू कर दिया गया है कि ऑनलाइन के माध्यम से आप अपना सब कुछ चालान कर सकते हैं घर से बैठे बैठे, और आपको जिस दिन ऑफिस से दिन तय दी जाएगी ओटीपी के माध्यम से या जैसे मैसेज के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से, उसी दिन आपको उस रजिस्ट्रार में जाना होगा और आप वहां पर जाके अपना सत्यापन करेंगे और रजिस्ट्री करा लेंगे। तो ये एक सुविधा दी गई है सरकार के माध्यम से। लेकिन आपको जिस चीज का इंतजार है उसका मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि आप लोग जो जमाबंदी को लेकर के अभी तक वीडियो पर उपस्थित है कि आखिर जमाबंदी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलाव किया या नहीं, तो उसका अभी तक कुछ अपडेट हम लोगों के बीच में या कि कहीं भी नहीं जारी किया गया है, न किसी न्यूज़पेपर में या नहीं किसी चैनल के माध्यम से, न किसी लिखित के रूप में। इसलिए हम लोग उस अपडेट को आपको नहीं बता सकते हैं कि आखिर जिसको अभी तक लंच नहीं किया गया है, पूरा ओपन नहीं हुआ है कि क्या डिसाइड लिया गया कि जमाबंदी पुराना से चलेगा या नया कुछ नियम लगाया जाएगा। तो इसलिए आपकी जैसी रजिस्ट्री अभी हो रही है पुराने नियमों से हो रहा है, वैसे ही अभी भी होता रहेगा। इस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। आपका 15 अक्टूबर भी क्या हो गया, समझिए तो फेलियर में गया। तो आप लोगों के मन के जो घबराहट थी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूर कर दिया हूँ, और आप लोगों के मन में जो असंतुष्टि होगी तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत कराइएगा, उसके माध्यम से जो प्रश्न का हल होगा मैं बताने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।